ये हॉस्पिटल का वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने, और ये ज़िंदगी के बहुत ही ख़राब पल हैं थे हमारे लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग थोड़े से मैं क्या, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी अभी कुछ दिनों से, अभी ये ठीक है। मेरी बेटी देखिए, राधे 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 राधे, और अभी तो काफ़ी ठीक है। और सुबह ही डिस्चार्ज मिल गया था, 10 बजे घर पे आ गए थे हम सभी। तो मैं मायके में थी, तो मैं अब अपने घर आ गई हूँ, ससुराल फ्लैट में अपने। और निधि के पापा और निधि की दादी दुकान पर है, और मैं और निधि घर पे हैं। और दिखाती हूँ मैं निधि के लिए, तो उस टाइम मैंने डॉक्टर ने जो जो बताया है, हम वैसे ही इसको डाइट देंगे और इसको भूख लगने की दवाई दिया है इसको, और बहुत सी चीज़ें दी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खाती थी। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही खाती भी थी तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाती थी ये। और अभी भी मैंने ये दूध दी लिया इसके लिए, तो पी नहीं रही है ये, तो उसी में लगी हूँ कि कैसे भी करके पी ले ये। है ना बेटा, देख खुद से पिएगी अभी ये। खुद से पीने वाले हो आप? पी लो फिर, पी लो। हाथ पे चाहिए इसको, हाथ पे चाहिए हर चीज़। अच्छा है, पी लो। देखो सब बोल रहे हैं पी लो, आप अच्छी बच्ची हो ना, पी लो। राधे राधे बोल दो, मैं ठीक हूँ गाइस, बोल दो। हाँ अभी किचन में मैं साबूदाना बना रही हूँ, क्योंकि इसको मीन्स डॉक्टर ने जो जो बताया हम वही वही देंगे। और इसको मीन्स अभी खाना जो है बिल्कुल हल्का ही देना है। हाँ तो आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। फिर भी होते हैं ना कि बच्चा बीमार है, रिकॉर्ड कर लिया। भाई अब मैं यूट्यूबर हूँ तो भाई मुझे ये सब दिखाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही बोल दो कि मेरी बेटी बीमार थी तो भाई, चलो वो सब छोड़ते हैं, बाद की बात है वो सब, जिसकी जैसी सोच। बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपना सुख दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं अपना दुख भी ज़रूर दिखाऊँ आप लोगों को। तो बस यही है, अगर मैं सुख दिखा रही हूँ, हर चीज़ अपने हैप्पी हैप्पी दिखा रही हूँ, तो दुख वाले पल मैं आप लोगों को क्यों नहीं दिखाऊँ? मैं बस यही सोच रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा भी नहीं, लेकिन सच बताओ तो उस टाइम इसे हिम्मत भी नहीं थी। वो तो किस दिन बुधवार को एडमिट हुई थी, तो बुध को तो बिल्कुल फ़ोन का पता ही नहीं कहाँ है। वीरवार को थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और है ना बेटा, और आज आज का मुझे डेट भी नहीं पता, डेट क्या है आज, बस इतना पता है शुक्रवार है। और पहले किचन में देखती हूँ, तो सिर्फ इसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ ये साबूदाना। देखिए तो वही, मैं तो इतना खाऊंगी नहीं, अब बाकी ये दूध है इसमें, और ये दलिया जो बनाया था, दाल और दलिया को ऐड करके बनाया था। और भी अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो सुबह से आने के बाद वही झाड़ू, घर भी बहुत गंदा था होली की वजह से। और क्योंकि मैं होली के ही दिन चली गई थी, वहाँ अपने घर चली गई थी, तो घर काफ़ी गंदा था। फिर उसमें लगी रही मैं, उसमें 1 घंटा लग गया झाड़ू पोछा करने में। फिर उसके बाद नहाना धोवाना, निधि को भी नहला दिया था, क्योंकि वही है 2 दिन से अस्पताल में थी, तो 3 दिन से, आज तीसरा दिन है। तो अब हाँ, अब वही डॉक्टर ने, चलो भगवान की कृपा है कि मेरी बेटी ठीक है। अब डॉक्टर ने जो जो दवाई दी है, बस काम करे, भूख लगे। है ना बेटा, ऐसे करूँ, ऐसे इस सबसे ऐसे ऐसे करवाती, ऐसे ऐसे आप लोग भी करिए इसके साथ, ऐसे करवा दो, ऐसे ऐसे। अरे देखो टेबल इसने पूरा खा खा के, जो खा रही है वहाँ से ऐसे से लेपा पोती कर रही है यहाँ पे। और सब उताना भी बस बनने में ही है, तो अपडेट देना ज़रूरी था आप लोगों को, इसलिए मैं कैमरे के आगे आ गई, आप लोगों को सोचा बता दूँ। तो सब कुछ ठीक है, फाइन है अब तो। उस दिन का ब्लॉग मैं कुछ रीज़न से भी नहीं बना पाई थी, बट
उस दिन तो ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, बट सोच रही थी मैं कि आज थोड़ा सुबह का वहाँ पे दिखाऊँ। थोड़ा बहुत जो भी है मैंने हल्का फुल्का, जैसे सो रही थी या मेरे हाथ में फ़ोन था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो सब है मैं आपको दिखा दूँगी इसी में, इसी क्लिप में मैं ऐड कर दूँगी। तो इस ब्लॉग को गाइज मैं यहीं एंड करती हूँ, और फिर वही डेली रूटीन ब्लॉग जो है शेयर करूँगी आप लोगों से, थोड़ा वही है, आप लोग सपोर्ट करिएगा गाइज। निधि के देखिए यहीं पे 3 दिन से यहीं पे इसके इंजेक्शन दवाइयाँ चल रही थी, वो तो बच्चे हैं जो बता नहीं पाते अपना दर्द, बड़े तो बता देते हैं यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, छोटे क्या ही बता सकते हैं, तो वही है कोई बात। चलिए महादेव की कृपा है, सब ठीक है। हर हर महादेव। हाँ बेटा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाय गाइस, बाय बाय कर दो, बाय बाय ऑडियंस, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय। यहाँ देखो यहाँ कैमरे का आगे, बाय। देखिए निधि अब बिल्कुल ठीक है, और अभी भी देखिए इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं वो सब चल रही हैं, और मैंने दे भी दिया है। अब ये सब अभी रात को देना है, शाम का हो चुका है ना बेटा, और एक कुछ दवाइयाँ भी और आनी बाकी हैं। और ये जो घटना हुई थी, जो मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम, और बुधवार की दोपहर को तो प्रॉब्लम हुई थी, अचानक खेल ही रही थी, अच्छी खासी खेल रही थी, सो गई थी, सो के उठी है, और इसे जो उल्टी हुई है, 3-4 उल्टी में इसकी हालत ख़राब हो गई। फिर हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल, फिर वहाँ भी मना कर दिया, कहा कि इसे दूसरे अस्पताल में ले के जाओ क्योंकि इसे ICU की ज़रूरत है। तो हम लोगों की तो हालत वहीं ख़राब हो गई जब उन लोगों ने कहा ICU में भर्ती होगी, पर सब मम्मी ने हिम्मत बनाई, फिर हम लोग जो हैं, चाची थी मेरे साथ, मम्मी थी, मैं थी, और बाकी सब बाद में धीरे धीरे आए जब हम अस्पताल में पहुँचे। उसके बाद एक घंटे में ही निधि को आराम लग गया था, तो मेरी बेटी बेहोश थी क्योंकि इसे इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी दवाई दी गई।